episode 51. हेलो मैडम, आई कौन बंद कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ इस कौन द्वारका से? हाँ जी ठीक है, भेज दीजिए। हाँ जी ठीक है मैम, बोला। ओके बेटा, मंदिर से लोग आए हैं। प्रभु जी आ गए हैं। अच्छा, जन्माष्टमी के लिए? हाँ, वो जो हमने ऑनलाइन अभिषेक और आरती बुक करवाई थी ना, उसी का सामान देने आए हैं। तो अब हम महाआरती और वो महाअभिषेक घर पे कर सकते हैं। हाँ, और अभी हमें मंदिर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब हम जन्माष्टमी घर पे बहुत अच्छे से बना पाएंगे। वाओ मम्मा, तो बहुत मजा आएगा। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके लिए ये अभिषेक किट और आरती किट लेके आए थे। प्रभु जी आइए, प्रभु जी बैठे। यस प्रभु, देखिए मंदिर से आए हैं पंडित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा, पानी लेके आओ। अरे ये आ गया। यस मदर, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये अभिषेक किट और आरती किट मदर, इसमें आरती प्लेट है, तो आप इससे आरती कर सकते हैं घर में रह के। और साथ ही साथ इसमें, वाओ कितना सुंदर है प्रभु जी, इसमें कलश है और भगवान का अर्चक विग्रह है, तो उनको आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इस बार हम जन्माष्टमी पे घर पे सारा अभिषेक कर सकते हैं। देखो कितना सुंदर अरेंजमेंट करके दिया मंदिर ने। बहुत ही सुंदर है ये तो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, ऐसा भी कुछ था कि ऑनलाइन जैसे हम करेंगे तो फिर मंदिर से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कुछ आप बता रहे थे उसके बारे में? हाँ यस माता जी, एक्चुअली मंदिर से लाइव होगा, जो भी अभिषेक वहाँ पे हो रहा होगा, तो उसी टाइम पे आप घर में भी अभिषेक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत कितनी सहूलियत हो गई। आजकल तो बाहर जा नहीं सकते इस कोरोना के चक्कर में। बहुत ही अच्छा। क्या लेंगे? मैं कुछ प्रसाद में लेके आती हूँ आपके लिए। कुछ नहीं माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसी नहीं, मैं कुछ तो लेके आती हूँ। बेटा इधर आओ, जरा धीरे से पापा को बुला के लेके आना। तो प्रभु जी, अभिषेक का कोई समय भी है, पर्टिकुलर समय कि इस वक्त करना है अभिषेक? यस प्रभु जी, बेसिकली वो सारा शेड्यूल हम आपको बताएंगे, जिसमें टाइमिंग होगा किस टाइम पे मंदिर में अभिषेक होगा, तो उसी समय पे आप यहाँ भी घर में अभिषेक कर सकते हैं। तो एक हिसाब से मंदिर में भी अभिषेक चलता रहेगा और साथ साथ जो भी भक्त जुड़े हुए हैं सारे इकट्ठे उसी टाइम पे अभिषेक करेंगे। और ये मंत्र उच्चारण सारा हम ऑनलाइन देखेंगे। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, एक मिनट में। प्रभु जी, हम हर साल मंदिर में देते, तो इस साल मंदिर तो जा नहीं पाएंगे कारणवश, तो प्लीज ये आप रखिए और आप ये मंदिर में हमारी तरफ से डोनेट कर दीजिए। रखिए इसको प्रभु जी, हमारे प्रेम भाव की तरफ। जो कर नहीं पाए उसको हम मिस करेंगे, जैसे प्रभु का कीर्तन हमने लास्ट ईयर बहुत एंजॉय किया था। हर साल हम मंदिर जाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब हम वहाँ पे एंजॉय करते हैं, हम उसको बहुत मिस करेंगे। उसका कुछ हाल बताइए। तो वैसे प्रभु जी, इतना चिंता का विषय नहीं है। आप जैसे घर में रह के अभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप घर में रह के कीर्तन कर सकते हैं। और शास्त्रों में ये बताया है कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार पिता नियमित स्मरणे न काला। तो भगवान का नाम कीर्तन करने में, जप करने में देश काल आदि का इतना नियम नहीं है, तो घर में रह के किसी भी स्थान में रह के हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। और आप जिस उत्साह से आप मंदिर में आते हैं और जिस भाव से भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, उसी उत्साह से आप घर में रह के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी की बात सुन के मुझे तो एक्साइटमेंट से लगी है कि हम अच्छे से चारों बैठ के भगवान के मंदिर के आगे कीर्तन करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम सारा हम घर में ही खूब एंजॉय करेंगे।
करेंगे। ये अच्छा आइडिया दिया प्रभु जी आपने, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रसाद लीजिए ना प्रभु जी, प्रभु जी प्रसाद लीजिए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।